हेलो फ्रेंड्स स्वागत है के ही चैनल ड्रीम इलेवन डॉक्टर में एक बार फिर से जो मैच हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं वो होने वाला है यहाँ पे सिडनी सिक्सर्स वर्सेस मेलबर्न रेनिगेट्स के बीच जो मैच होने वाला है इस मैच की वीडियो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी और आपको आ, अच्छे से देखना है और आप अच्छे से विन कर सकते हो अगर आप वीडियो एनालाइज करोगे अच्छे से तो उस और उसके साथ आपके वीडियो में ग्रैंड लिक की पिक्स प्लस बाई की पिक्स बताने वाला था इसलिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी और उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत जरूरी है जिसका नाम है ड्रीम इलेवन डॉक्टर आपको स्क्रीन पर नाम लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा सेम नेम से हमारा टेलीग्राम चैनल अवेलेबल है पर आपको हमारे टेलीग्राम के जो रियल और ओरिजिनल चैनल है उससे कैसे जुड़ना है आपको सिंपली करना क्या वीडियो के नीचे जहाँ कमेंट करते हो वहाँ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा सबसे ऊपर ब्लू कलर का लिंक होगा जैसे ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल ओपन गा, देन उसको ज्वाइन कर लेना ग्रैंड लीग में में रैंक फोटो लगी होगी तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है है टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के के लिए वीडियो के नीचे कमेंट में जो लिंक दिया उसी का यूज करना है, तभी आप हमारे सही और ओरिजिनल चैनल के साथ जुड़ पाओगे तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट जो कल वाला तो थोड़ा बोलूंगा कि फ्लक्चुएटेड ग्राउंड है जहाँ जहाँ पे स्कोर ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है बट ऑन एन एवरेज स्कोर जो इस ग्राउंड पे है वो है वन सिक्स के अराउंड तो आप एक्सपेक्ट करके चलोगी वन सिक्सटी के अराउंड आपको स्कोर देखने को मिल सकता है इस ग्राउंड पे इनके हिसाब से ये मैच होने वाला है उनके अकॉर्डिंग नाइट में तो यहाँ पे डेफिनेटली जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग करना चाहिए क्योंकि वो चाहती है कि टीम बाद में ड्यू का फैक्टर उनको फेस ना करना पड़े तो डेफिनेटली नाइनटी नाइन परसेंट ये देखने को मिलने वाला है कि जो टीम पहले टॉस जीतेगी वो पहले फील्डिंग करते हुए आपको नजर आएगी तो बैटिंग ऑर्डर आपको क्या देखने को मिल सकता है मैंने लास्ट मैच कुछ आपके एक चीज लिखी हुई थी जैक एडवर्ड जो कि इनके अंडर अंडर नाइनटीन का स्टार प्लेयर है दो साल पहले का बहुत अच्छा प्लेयर है और ओपनिंग करते हुए देखा और जो प्रैक्टिस मैच रहा था उसमें भी इसने मैंने लिखा था सिक्सटी रन करे और जो कल वाला मैच रहा उसमें भी फोर्टी का स्कोर करके गया है तो अच्छे फॉर्म में जैक एडवर्ड टीम में आप ले सकते हो और अच्छी फॉर्म में तो डेफिनेटली टीम में सेफ ऑप्शन रहेगा ले जाने के लिए अच्छा प्लेयर है बट लास्ट इस, इसको भले नाम तो बहुत अच्छा जा रहा था इसके कि हाँ बहुत बड़ा प्लेयर बनेगा बट उसके बाद देखा तो इसने कोई अच्छी परफॉर्मेंस करी नहीं जो लास्ट एक डे एक दो बी सीजन रहे इसके दो साल इतने अच्छे गए नहीं हैं बट बट इस बार थोड़े अच्छे टच में नज़र आ रहा है और पहले मैच में अच्छी परफॉर्मेंस करी भी है प्रैक्टिस भी अच्छा करा देन जोशी अफ्रीसर इसको आपने आई में के लिए आई की टीम के आई में आर के लिए खेलते हुए देखा होगा और मे भी बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके लिए वाइस कैप्टनसी वगैरह के लिए और काफी अच्छा प्लेयर है और इसका जो लास्ट ईयर रहा है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है इनकी टीम लास्ट ईयर फाइनल जीती है तो जो फाइनल में इसने कर रहा था जिसकी वजह से जीती है फिफ्टी टू रन स्कोर करके आ रहा है जोशुआ फिलिप्स और आ, ऐसा प्लेयर है कि इंटरनेशनल नहीं खेला फिर भी इसको आईपीएल में मौका मिला तो समझ सकते हो तो कितना अच्छा परफॉर्मेंस रहा होगा इसके दो सालों में बिग बैश में तो वाइस कैप्टनसी कैप्टनसी के लिए अच्छी पिक है भले ही पहले मैच में जल्दी आउट हो गया देन यहाँ पे जेम्स विंसे जो कि इंटरनेशनल लेवल का प्लेयर है एक्सपीरियंस प्लेयर है टी ब्लास्ट खेल चुका है इंग्लैंड के लिए इंटरनेशनल लेवल पे खेल चुका है अच्छे का स्कोर कर चुका है 50 प्लस कर चुका है तो बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है जेम्स विंस इवन वर्ल्ड कप 2019 में भी था तो इंग्लैंड का इंटरनेशनल लेवल लेवल का प्लेयर है और प्रैक्टिस मैच में फोर्टी करे और कल वाले मैच में सिक्सटी सेवन करके कर आ रहा है तो एक बहुत अच्छे टच में दे दोनों ही जैक एडवर्ड और यहाँ पे देखा जाए जेम्स विंस देन बात करें डेनियल ह्यूजिस ये मेरे को था कि ओपन करेगा बट टीम ने जैक एडवर्ड्स को ओपन भेज दिया और अगर ये भी ओपन आता है तो डैनियल ह्यूजिस तो हंड्रेड मैं टीम में लेता और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है ये बहुत बढ़िया बैट्समैन है अगर जैक एडवर्ड से कंपेयर करोगे बहुत क्लासिक बैट्समैन इसका डोमेस्टिक रिकॉर्ड उठा के देखो तो बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर है और मेरे सामने आई थिंक लास्ट सीजन में इसने इस बार तो इतना मैच हुआ नहीं टीम का फिफ्टी ओवर का बट लास्ट सीजन में इसने डेढ़ सौ डेढ़ सौ दो बार मारे थे एक ही सीजन में वनडे मैच में डोमेस्टिक में तो बहुत बढ़िया प्लेयर है स्मॉल प्ले स्मॉलिंग में मत ट्राई करो तो ग्रैंड ग्रैंडलिंग में जरूर ट्राई करना और सेकेंड ऑन बैटिंग करने आने वाला है तो टीम में अच्छी पिक बनने वाला है दस के आसपास सेलेक्शन है इसका बाकी बात करोगे जॉर्डन सिल्क जॉर्डन सिल्क की क्या फील्डिंग करता है लास्ट मैच की फील्डिंग देखो कि क्या फील्डिंग करी इसने वन ऑफ द बेस्ट फील्डर है जॉर्डन सिल्क और दूसरी बात करें जब भी इनकी टीम को संकट मोचन लिख लो इसके आगे मैंने लिखा होगा बेस्ट डिपेंडेबल बैट्समैन जब भी टीम डिपेंड वो मतलब संकट में आती तो ऐसा प्लेयर है कि टीम को संभालता है और बड़ी इनिंग भी खेलता है और डेफिनेटली अच्छा प्लेयर है और मुझे बहुत पर्सनली हर तीन मैच में या दो मैच में एक बार जरूर अच्छा स्कोर करता है यहाँ पे जॉर्डन सिल्क बैटिंग अगर प्रॉपर मौका मिल जाता है तो देन बात करें यहाँ पे डैनियल क्रिश्चियन है तो हिटर है और तीन से चार ओवर अपने कंप्लीट करा लास्ट मैच बहुत अच्छा गया और फाइनल मैच को बोलता हूँ बिग मैच प्लेयर क्योंकि इसने मेलबर्न रेनी को लास्ट टू लास्ट ईयर फाइनल जितवाया है और उससे पहले नॉटिंग हम शायर टी ट्वेंटी ब्लास्ट में जीता है तो बहुत बढ़िया प्लेयर है इस साल भी जीतवा आई थिंक तो यहाँ पे बहुत बढ़िया प्लेयर है डैनियल क्रिश्चियन और कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए अच्छे पिक बन सकता है देन यहाँ पे आगे कार्लोस ब्रेथवेट कार्लोस ब्रेथवेट ठीक ठाक ऑप्शन है बट मे बी इसको मैंने पहले मैच में इसलिए ड्रॉप किया था क्योंकि इसको ये थोड़ा कॉन्फिडेंस नहीं देता इतना अच्छे भले ही वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर थोड़ा कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ टी ट्वेंटी फॉर्मेट में बड़ा अच्छा करेंगे बट कार्लोस ब्रैथवेट इतना कंसिस्टेंट नहीं है ये चार पांच मैच में एक बार चलने वाला प्लेयर है और मे बी इसने वर्ल्ड कप जो स्टॉक्स पर चार छक्के लगाए थे उसके बाद इसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी नहीं है जो कि रिमाइंड कर सके और एक वर्ल्ड कप में इसने एक मे बी इतने सेंचुरी में लगाई थी वो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस करी थी बट इसके अलावा देखोगे तो इतने कोई इतने परफॉर्मेंस uh, अच्छी करी नहीं है टीम में चाहो तो रख सकते हो ड्रॉप भी कर सकते कि टी ट्वेंटी टाइप प्लेयर है uh, बड़ी इनिंग खेल सकता है मतलब कम बॉलर पे ज़्यादा रन मार सकता है बहुत पावरफुल है दूसरी बात यह है कि आपको दो से या तीन ओवर करते हुए दिख सकता है दैनिक पैनाला स्टीव ऑककिफ स्टीव ऑककिफ जो कि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है इनका और ये इनके लिए टेस्ट मैच भी खेल चुका है दूसरी बात यह है कि थोड़ी बहुत अच्छी बैटिंग भी कर लेता है और रन बना के दे सकता है अगर बैटिंग का चांस मिलता है पंद्रह बीस रन आराम ना से तो टीम में चाहो तो रख सकते हो ग्रैंड लीग के लिए अच्छी पे रहेगा बट देता है बैन मे मेनन्ती ठीक प्लेयर है ऑफिस स्पिनर है बट, बट स्मॉल लीग में मिले इतना इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं एक आधा विकेट निकाल के दे सकता है बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा देन यहाँ पे अगर बैन डॉशियस वन ऑफ द बेस्ट विकेट टेकर बॉलर है डोमेस्टिक में और बिग बैच में यहाँ पे बैन डॉशियस और बहुत अच्छा विकेट टेकर बॉलर है मैं टीम में लेके जरूर जाने वाला 100 हंड्रेड परसेंट लेके जाने वाला हूँ और लास्ट मैच में लिया भी था और तीन विकेट लेके आ रहा है और दूसरी बात यह है कि थोड़ी बहुत बैटिंग अच्छी कर लेता है लास्ट सीजन में इसने मे बी तीन से चार मैचेस में बैटिंग भी अच्छी करी थी जब इसको बैटिंग का मौका मिला बीस के आसपास रन भी करे देन आप कहते हैं गुरिंदर संधू उसके बाद स्लोअर वन वेरिएशन वगैरह पहले मैच में थोड़ी पिटाई होगी तो दो ही ओवर करे बट स्मॉल स्मॉलिंग में इतनी अच्छी पिक रहेगा नहीं और लास्ट सीजन में इसने जो इनका मार्च का वो था फिफ्टी फिफ्टी ओवर का उसमें एक मैच में सात विकेट भी लेते बट देखोगे तो ऑल ओवर इतना कंसिस्टेंट नहीं है गुरिंदर संधू तो मैं डॉशियस लेने वाला हूँ क्रिश्चियन विंस फ्लिपे और ऊपर देखो जैक एडवर्ड ठीक ठाक ऑप्शन नजर आते हैं मुझे देन यहाँ पे फैक्टर रहेगा जस्टिन एवन डेनो जो कि ओपनर है तो ओपनिंग स्पॉट ऑलरेडी फुल है तो यहाँ पे कोई चांस बनता नहीं है बर्टस का चांस नजर नहीं आता स्मिथ का चांस नजर नहीं आता लॉयड पो पे मुझे ख्याल से टीम एक, एक एक्स्ट्रा स्पिनर यहाँ इसकी जगह खिला सकती है बैन मेनान्तिया की जगह और मुझे लगता है कि मेनान्ती की जगह खिलाना भी चाहिए मेनाती से बहुत बढ़िया स्पिनर है और अंडर नाइनटीन का स्टार प्लेयर है एक मैच में इसने इंग्लैंड अंडर नाइनटीन के अगेंस्ट सा आठ विकेट लेती मे भी इसने वन सटन मैच विन करवाया था अपने दम पे और इसने जो प्रैक्टिस मैच है उसमें दो विकेट लिए और इसको टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक में कॉन्टिन्यूसली पांच पांच विकेट लेते हुए देख रहा हूं। तो बहुत बढ़िया स्पिनर है अगर ये खेलता है और ग्रैंड लीग में आपको जरूर ट्राई कर लेना है लोयड पोपे को बाकी बात करें टॉम रॉडर्स रॉडर्स जो, जो कि ऑलराउंडर है ठीक प्लेयर है बट इम्पॉर्टेंट मैं बोलूंगा नहीं बाकी मेलबर्न रेनिगेट्स अपना आज का मैच जीत के आ रही है और सीनी सिक्सर्स की अपना एक मैच जीत चुके हैं तो मेलबर्न रेनिगेट्स एरोन फिंच इनफॉर्म है और कैप्टन भी है बात करें मार्श तो आज दिखाई दिया मार्च का चीज़ है दोबारा इसने इतनी अच्छी इनिंग खेली है और आई पी वन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला प्लेयर भी यही था तो, तो मार्च की बात ही अलग है टी ट्वेंटी फॉर्मेट में स्पेशल यहाँ पे बिग बैश आई पी एल जिसमें हो तो बहुत बढ़िया प्लेयर है शॉन मार्च देन यहाँ पे आने वाला है साइमन हार्प सैम साइम हार्पर सैम आरपर का लास्ट सीजन बहुत ज़्यादा बढ़िया गया है और इसी चक्कर मैंने इसको आज भी लिया आज भी ठीक ठाक इनिंग खेल के गया है बैटिंग से तो इतनी अच्छी करी नहीं बट बॉल विकेट कीपिंग कैचिंग स्टंपिंग के, के पॉइंट दे गया तो इसलिए मैं दोबारा टीम में लेने वाला हूँ और अच्छा प्लेयर है और मे भी मुझे लगता है तीन मैच में एक बार अच्छा खेल जाता है तो खेल सकता आज अच्छा है, सैम आरपर प्लस तो विकेट कीपर रहते तो स्टील हमें कैचिंग स्टम्पिंग का पॉइंट देने वाला है और टॉप ऑर्डर बैटिंग करेगा और देखा था रायली रूसो रायली रूसो भी अच्छा प्लेयर है और ये भी ओपनिंग कर लेता बट ओपनिंग में और मार्श ने अपना बुक कर लिया है स्लॉट तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे आने वाला है रायली रूसो सेकंड डाउन में और बहुत बढ़िया प्लेयर है अगर टी ट्वेंटी ब्लास्ट फॉलो करा हुआ तो हेम्पशायर के लिए खेलता है विंस के साथ ओपन करता है और बहुत बढ़िया प्लेयर है बट विंस और रूसो अब आमने सामने है और वहाँ ये एक साथ साथ ओपन करते हैं और बहुत बढ़िया प्लेयर है और अफ्रीका के लिए अगर आपको पता हो दो हज़ार पंद्रह वर्ल्ड कप में भी खेला हो चुका है और सेंचुरी भी लगाई है तो मैं रायली रूसो को टीम में लेना चाहूँ तो ले सकते हो बट मे बी आप शायद क्रेडियो से ड्रॉप करना पड़ सकता है बट ग्राइंडिंग में जरूर ट्राई कर लेना रायली रूसो को अगर क्रेड बनता है तो क्रेड लेके जरूर कर लेना ट्राई राइली रूसो को अगर जब इनकी टीम बैटिंग फर्स्ट करती है देन आता है बता है यहाँ पे जेक फ्रेशर मैकर का आता है जो कि अंडर नाइनटीन का ओपनर है आ, ओपनर कर चुका है जो अभी रिसेंट अंडर नाइनटीन ना ना में ओपन करा और स्टीवन स्मिथ और इसकी बैटिंग स्टाइल देखोगे तो बिल्कुल सेम है और इसका फेवरेट प्लेयर भी स्टीवन स्मिथ है बट एज ऑप ये ओपनर मेन ओपनर है बट ओपनिंग स्पॉट ऑलरेडी फुल है बट स्टिल टीम ने इसको टीम में खिलाया देखते हैं क्या करता है अंडर नाइनटीन प्लेयर है ज़्यादा मुझे लगता है नहीं ज्यादा अच्छा कर पाएगा बाकी बाकी बात करें यहाँ पे आता है व्यू वेब लास्ट सीजन इसका बहुत ज़्यादा बढ़िया गया बैटिंग से भी पॉइंट दिए थे बॉलिंग से भी पॉइंट दिए थे इसलिए मैं इसको टीम में लेके जाने वाला हूँ उसको बैनी होवल से ऊपर भेजा जाएगा मुझे लगता है तो इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ अदरवाइज बैनी होवल बहुत ही असम प्लेयर है ये ऑफ स्पिनर है बी वेस्टर और बैटिंग कर लेता था, ठीक ठाक मतलब अच्छा सीजन गया था लास्ट सीजन इसने काफ़ी अच्छी दो तीन मैचेस में बैटिंग भी करी थी और यहाँ पे बात करें बैनी होवल जो इसका सिलेक्शन रेट में भी बहुत कम हो गया होगा बट ये जो इंग्लैंड का डोमेस्टिक दो, या टी ट्वेंटी है उसका वन ऑफ द स्टार और बेस्ट प्लेयर है ऑलराउंडर है तो इसको अपनी ग्रैंड लीग की टीम में जरूर ट्राई कर लेना बैनी होवल को आ, इसको यहाँ लिया है तो समझ सकते हो कितना बड़ा बढ़िया प्लेयर है वहाँ इसने कंटिन्यूसली कितना अच्छा परफॉर्म किया होगा बैनी होवल ने राइट मीडियम फास्ट बॉलर है छोटे रनअप से बॉल डाता ज़्यादा तेज बॉल डालता नहीं है और बैटिंग बहुत अच्छी करता है बैटिंग का मौका मिले दैन यहाँ पे आने वाला है जैक प्रेस्टविच ठीक ऑप्शन है फास्ट बॉलर है आर एफ का मतलब राइट एंड फास्ट बॉलर आर का मतलब राइट हैंड बैट्समैन और एल का मतलब लेफ्ट हैंड बैट्समैन समझ जाओगे तो ये राइट एंड फास्ट बॉलर है जे एक प्रेस्टिस्ट इंपॉर्टेंट ज्यादा रहेगा नहीं बाकी मैं लेने वाला हूँ केन रिचर्डसन जैसा कि मैंने कहा था कि हर बी बी एल सीजन में ये दो से तीन मैचेस में तीन चार विकेट लेता है और आज तीन विकेट लेके गया अभी इसके दो मैचेस चार चार वाले आने बाकी हैं तो ग्रैंड लीग में कैप्टन करते रहो जैसा कि आज कैप्टन करा और सबसे ज्यादा पॉइंट दिए और मैंने सो किया भी था लीग के काफी क्लोज पहुंचा भी था बट वही होता है कि थोड़ा लक मैटर करता है एक आधे प्लेयर की वजह से रह जाती है बाकी के नित्या को फिर से लेने वाला हूँ और ग्रैंडिंग वो कैप्टन से वाइस कैप्टन से जरूर देनी है इंटरनेशनल खेल चुका है आई पी एल में राजस्थान रॉयल के लिए खेल चुका है और बहुत अच्छा प्लेयर है मे भी आर के लिए भी खेल चुका है बाकी बात करें जॉश लैदर के बारे में बात करें तो उसका आज देखा किसी लोगों का ध्यान नहीं था और मैंने लिया भी था मैंने कहा था कि बहुत बढ़िया डेथ uh, बॉलर है और विकेट टेकर बॉलर है तो देखा अपने वही हुआ तो बहुत अच्छा बॉलर है लेलर और चार ओवर कंप्लीट करेगा कंटिन्यूसली विकेट टेकर बॉलर है तो मैं टीम में लेके जाने वाला हूँ बीबीएल में भी बहुत टॉप टेन विकेट टेकर में होगा बहुत बढ़िया प्लेयर है देन डेथ ओवर्स में डालता है ये के साथ बॉलिंग डालेगा बाकी है हैजुग्लू तो इसको मैं शायद इतना इंपॉर्टेंस नहीं दू आज दो विकेट तो जरूर लेके गया अब जनता लेके आएगी बट हमारे पास और भी अच्छे ऑप्शन अवेलेबल है आप चाहो तो जा सकते हो बट मैं शायद ना जाऊँ बाकी बात करेंगे मैकेजी हारवी है तो इसका ओपनिंग स्लॉट है तो बट मुझे लगता है चांस बन नहीं पाएगा क्योंकि ओपनर ऑलरेडी फुल है तो मुझे लगता नहीं मैकेजी हारवी का चांस बन पाएगा देन यहाँ पे जॉन हॉलैंड जो कि लेफ्ट टर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है टेस्ट मैच खेल चुका ऑस्ट्रेलिया के लिए देखते हैं किसकी जगह टीम खिलाती है यहाँ पे क्या पता प्रेस्ट बिच की जगह जगह देते तो यहाँ पे शायद एक चांस बन सकता है देन पैरी वगैरह मेरे लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले नहीं है और यहाँ पे जैन जैक से काउच है शायद मुझे इनके चांस नजर भी नहीं आते तो रेने गेट्स बैटिंग ऑर्डर देखना चाहते हो देख सकते हो मार्श है फिंच है देन हार्पर है देन यहाँ पे विकेट कीपिंग कर रहा है हार्पर देन यहाँ पे राइली रूसो है देन मैकोर का आने वाला है देन वेबस्टर है हॉवेल है प्रेस्टविज है रिचर्डसन है लेलर और और बाकी बॉलिंग में देखोगे तो कौन कितने ओवर करते हैं आपको देख सकता है यहाँ पे देखोगे तो जॉश लेलर है केन रिचर्डसन चार चार ओवर डालेंगे दोनों ही और विकेट टेकर है दोनों ही देते हैं बॉलिंग करेंगे देन यहाँ पे है और देन दैन यहाँ पे आएगा जैक प्रेस्टवी जो इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा बैनी होवल जो ग्रैंड लीग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है व्यू स्मॉल लीग में ले सकते हो सिक्सर्स का बैटिंग लाइनअप क्या रहेगा जोशो फिलिप्स ओपन करने आएगा विकेट कीपर भी देन जैक एडवर्ड जेम्स विंस डैनियल हुजेस ग्रैंड लीग की बेस्ट पिक जॉर्डन से लेकर जो टॉप ऑर्डर ऑफ लॉप होता है ग्रैंड लीग में आपके लिए बहुत बढ़िया पिक बन सकता है देन डैनियल क्रिश्चन है कार्लोस ब्रैटवेट को स्मॉल लीग प्लस ग्रैंड लीग दोनों में ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो देन देन डॉशियस है और बॉलिंग में देखोगे तो आप कौन कौन कितना ओवर करेगा बेन मेनांटी को चार ओवर मिल रहे हैं और यहाँ पे चाहे तो टीम जॉन हरन को ले सकती है बाकी यहाँ पे है बेन डॉशियस और यहाँ पे गुरेंद्र संधु की पिटाई हुई है तो मे भी टीम क्या पता है रिप्लेस कर दे किसी प्लेयर से बट स्टिल जो भी खेलेगा तो इम्पोर्टेंट वाले बॉलिंग में रहेगा नहीं बाकी यहाँ पे कार्लोस ब्रैसेट ने भी दो ही ओवर करे बाकी स्टीव ऑकेफे ने चार ओवर करे और क्रिशन ने चार ओवर करे उन सबको देखते हुए मैंने आपके लिए एक बैलेंस टीम बनाने की कोशिश करी है जोशफ लिप को रखा हा, हार्पर को रखा एडवर्ड को रखा विंस को रखा फिंच को रखा मार्च को रखा क्रिश्चन को रखा वेबस्टर को रखा है को रखा लैलर को रखा और कैंडिचरसन को रखा तो आप क्या किसको ट्राई कर सकते हो विकेट कीपिंग सेक्शन में दोनों ही सेफ ऑप्शन है दोनों के साथ जा रहा हूँ बाकी बैटिंग सेक्शन में आप चाहो तो राइली रूसो को ट्राई कर सकते हो बट क्रेट अवेलेबल नहीं है किसकी जगह ट्राई कर सकते हो वो आप कर सकते हो चाहो तो ट्राई वेबस्टर की जगह कर सकते हो यहाँ पे अगर क्रेट अवेलेबल हो तो राइली रूस होगा ठीक है वेबस्टर की जगह करेट करेट अवेलेबल नहीं है बाकी बात करेंगे जैक एडवर्ड के साथ गया हूँ बाकी जॉर्डन सिल्क आपको ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर लेना जैसे कि मैंने आपको बोला है जॉर्डन सिल्क ग्रैंड लीग और ख़ास कर सेजेस हंड्रेड परसेंट ग्रैंड लीग में ट्राई करना बहुत बढ़िया प्लेयर है और इवन स्मॉल लीग में थोड़ा डिफरेंट जाना चाहते हो तो यहाँ पर एडवर्ड्स की जगह ह्यूजेस को भी ले सकते हो बाकी सेफ जा रहे हम एडवर्ड uh, के साथ जाके एनविन डन का चांस नजर नहीं आता और ये एक्स फैक्टर के रूप में कल बार बार तेरहवा प्लेयर था बाकी यहाँ पे देखोगे मैगवर्क मिडिल ऑर्डर में खेलेगा अंडर नाइनटिन का प्लेयर है वैसे ओपनर है बट टीम मिडल ऑर्डर में खिला रही है तो इसलिए मेरा इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं हार का तो चांस बनता नहीं है एक्स फैक्टर बाहर बैठा हुआ था ये बाकी ये दोनों खेलने वाले ने नबी और होल्डर में क्रिश्चियन के साथ जाने वाला हूँ ये नहीं खेलने वाला ब्रैथ आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो और हंड्रेड परसेंट दो प्लेयर जरूर ट्राई करना ग्रैंड लीग जिस में जिसमें है एक डैनियल ह्यूजेस दूसरा है यहाँ पे बैनी होवेल बाकी मैंने लिए गया मैं ब्यू एफस्टर के साथ और अगर बात करें कि स्टार्क और एबोर्ट खेलने वाले हैं नी यहाँ पे केन रिचरसन लिया मैंने ताहिर है नी मैंने आंटी को मेरे को इंपॉर्टेंट नहीं लगता इतना ज्यादा बॉलिंग में वेरिएशन वगैरह नहीं है पोपे को जरूर ट्राई करना अगर ये खेलता है इलेवन में आता है ग्रैंड लीग में विकेट टेकर बॉलर है देन देन डॉशेस को लिया गुरिंदर संधू की पिटाई भी इसलिए इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं मेरे लिए और ठीक है लास्ट मैच में मैंने इसलिए इसको नहीं लिया था मुझे ज़्यादा भरोसा नहीं है इस पर गुरिंदर संधू पे चार पांच मैच में एक बार चल जाता बाकी है बाकी ओकीफे को ठीक ठाक है ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मैं अभी रिसेंट में बोलूँगा नहीं बट ऐसा प्लेयर है जो बैटिंग से भी पॉइंट दे सकता है तो तोफे पर ज्यादा देखा लेफ्ट लेफ्टार्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है देन मैंने जॉश लैलर को लिया है और नीचे बात करोगे तो हज़ ग्लू वगैरह है जिसको पब्लिक लेके आएगी बट मैं शायद इतना प्रेफर ना करूँ तो मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं हॉलैंड वगैरह ये फैक्टर थे तो मैं लेलो कैप्टन मेरा रहने वाला है यहाँ पे एरोन फिंच वाइस कैप्टन रहने वाला है मेरा शॉन मार्च आपके पास कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए दो और तीन ऑप्शन अच्छे खासे हैं थोड़ा डिफरेंट जाना है थोड़ा अच्छा जाना है और तो यहाँ पे जोशो फिलिप्स जेम्स विंस बहुत सेफ ऑप्शन है और यहाँ पर डैनियल क्रिश्चन ये तीन ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है और ये टी, मैंने टीम आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए बनाई इसमें क्या करा है विकेट कीपर सेम रखा है एडवर्ड्स की जगह ह्यूज ट्राई करा है बाकी मैंने तीन बैट्समैन सेम रखे हैं क्रिश्चन सेम रखा है, है। वेबस्टर की जगह होवेल ट्राई करा और बॉलिंग में मैंने सेम रखा तो मैंने ग्रैंड लीग की टीम है कैप्टन मैंने फिंच को ही किया है वाइस कैप्टन मैंने जोशुआ फिलिप्स को किया तो ये मेरी ग्रैंड लिग की टीम है पहले स्मॉल स्मॉलिक की टीम से बात है बाई के पिक्स के ऊपर अब देखो बाइक के पिक्स के ऊपर मैं आपको बोल सकता हूँ कि बैट्समैन पे मैं इतना बिलीव नहीं करता क्योंकि बैट्समैन देखो खेले तो बड़ी इनिंग खेल सकता है अगर नहीं खेले तो जल्दी आउट हो गया बाई चांस मान लो जीरो पे आउट हो गया किसी भी तरीके से आउट हो गया कैच आउट हो गया एल हो गया रन आउट ही हो गया लेग बड लग से तो अब हमारे पॉइंट चले जाते हैं क्योंकि बॉलिंग नहीं करने वाला तो हमें और कहीं से पॉइंट नहीं मिलने वाले एक्सेप्ट कैचिंग वगैरह से या फिर रन आउट से तो इसलिए आप जो बॉलर्स जो यहाँ पे ये हैं क्या कहते हैं बैट्समैन एक्सेप्ट यहाँ पे अगर इग्नोर कर दो फिलिप्स को तो आपके लिए ये मैं बोलूंगा कि यहाँ पे फिंच और मार्च इन पे आप इक्वल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बट जो मुझे लगता है कि दो अच्छे पॉइंट दिखते हैं जिसमें सैम हार पर मेरे मन में पता नहीं क्यों आ रहा, बट अच्छी पिक नहीं है ज़्यादा अच्छी नहीं है बट थोड़े पॉइंट ज़्यादा अगर पच्चीस तीस के आसपास होता तो मुझे लगता है पच्चीस तीस पॉइंट होते हैं तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि दे सकता है बट थर्टी एट थोड़े ज्यादा हो जाएंगे अगर ये दो कैचेस भी मान लो करता है सोलह पॉइंट देता है और तीस रन मारता है तो, तो प्रॉफिट जाके दे सकता तो है बट सेम हर बार फिफ्टी फिफ्टी रहेगा ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा तो फिर तो 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 मैं सारे पिक्स को मीडियम में लेके चल रहा हूँ बट डैनियल क्रिश्चन को आप ट्राई कर सकते हो क्योंकि चार ओवर करेगा अगर दो विकेट भी लेके जाता है तो आपको अच्छे खासे पॉइंट दे सकता है और दूसरी बात है बैटिंग बहुत अच्छी बैटिंग करता है दस बॉलर पंद्रह बॉलों में ऐसा प्लेयर है कि तीस चालीस रन आराम से मार सकता है डैनियल क्रिश्चन तो ग्रैंड क्रिश्चन आपके लिए अच्छी पिक रह सकता है कि फिंच और मार्च चालीस चालीस मुझे लगता है कि ठीक ठाक विक रहेगा वो उनके दिन के ऊपर अगर अच्छा दिन रहा तो ये डबल भी कर सकते हो चाहे अस्सी भी पॉइंट दे सकते हैं अदरवाइज़ दिन बेकार रहा तो पहली बॉल भी आउट हो सकते हैं या फिर रनआउट कोई भी रीजन से आउट हो सकते हैं बाकी केन रिचर्डसन जैसा कि मैंने बोला कि कंटिन्यूस विकेट टेकर है एटलीस्ट मुझे लगता है कि एक या दो विकेट निकाल के दे सकता है बट फिर भी मुझे एक विकेट मैक्सिमम लग, मिनिमम लगता है तो यहाँ पे तब भी थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट रहेगा नहीं जोशो फ्लिप है अगर स्टार्टिंग अच्छी मिलती है अगर दो कैचेस वगैरह कर लेता है और तीस चालीस पचास रन मारता है तो प्रॉफिट दे सकता है बाकी जॉर्डन सिल्क का तेईस में मुझे लगता है कि एक आधा कैसा तो जरूर करके जाएगा क्योंकि बहुत बढ़िया फील्डर है और बैटिंग का चांस मिल जाए अगर तीस रन के आसपास मार देता है पच्चीस तीस तो प्रॉफिट दे सकता है तो इक्वल इन्वेस्टमेंट कर लूँगा बट मुझे तो सबसे बेस्ट पिक लगी है इसमें नंबर वन पर रखना चाहूँगा मैं डैनियल क्रिश्चन डैन रखना चाहूँगा मैं सैम हार्पर और यहाँ पे जोशो फ्लिप्स को और तीसरे नंबर पे जॉर्डन सिल्क को बाकी फिंच को मैं फिफ्टी फिफ्टी बोलूंगा देन यहाँ पे केन रिचर्डसन तो ये थोड़ा है, मैं बोलूँगा इन्वेस्टमेंट इक्वल रखो इनमें तो ज़्यादा बेटर है सब प्लेयर में इन्वेस्ट इक्वल करके चलो तो ज़्यादा बेटर नज़र आता है इस मैच में खासकर से डैन थोड़ा ज़्यादा बेटर मुझे लगता है बाकी प्लेयर के कंपेरिजन में तो वीडियो अच्छी लगे जाएगी लाइक जरूर करना चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब कराइट बटन नीचे दिखाई दे रहा होगा उसको दबाना और घंटी दबाना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन और मैसेज आपको सबसे पहले जब भी वीडियो अपलोड करो दोस्तों और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कर सकते हो कमेंट में कोई भी क्वेश्चन पूछो मैं रिप्लाई करूंगा जब भी रीड करूंगा और टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है वीडियो के नीचे जहाँ कमेंट करते हो होते वहाँ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा सबसे ऊपर ब्लू कलर का लिंक होगा जैसे ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करोगे टेलीग्राम चैनल ओपन हो जाएगा देन ज्वाइन कर लेना ग्रैंड लिंक में रैंक वन की फोटो लगेगी आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स कवर करने की कोशिश करी है जितना हो सकता है मैंने डीप एनालाइज करी है तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक वगैरह करके जाना मिलते फिर एक नई और टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, वीडियो के नीचे कमेंट या डिस्क्रिप्शन में जहां पे आपको लिंक दिखेगा दोनों में दिख जाएगा उस लिंक का यूज करना ज्वाइन करने का तभी आप सही चैनल के साथ जुड़ पाओगे तो मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ हिंद दोस्तों बाय बाय